बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और बल्लेबाज पीटर हैंड्सकॉम के खिलाफ की शिकायत वापस ले ली है। बीसीसीआई ने विवादास्पद डीआरएस फैसले के बाद हुई खींचतान के बाद यह शिकायत वापस लेने का फैसला किया है। दरअसल इस शिकायत के बाद दोनों टीमों के बीच वाक युद्ध छिड़ गया था। इस विवाद के बाद बीसीसीआई ने स्टीव स्मिथ और पीटर हैंड्सकॉम के खिलाफ खेल भावना को आहत करते हुए लेवल 2 की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेम्स सदरलैंड ने बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी से मुंबई में इस मामले को सुलझाने के लिए मुलाकात की। इसके बाद तय किया गया कि दोनों कप्तान रांची में मिलकर विवाद को सुलझाएंगे। बीसीसीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि बीसीसीआई और सीए ने इस सीरीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सारे मुद्दे सुलझा लिए हैं। दोनों टीमों के बीच 16 मार्च से रांची में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस मुलाकात में दोनों अधिकारियों ने माना कि क्रिकेट हित के लिए विवाद को खत्म किया जाना जरूरी है, साथ ही इस तरह के विवाद पर ज्यादा ध्यान देना सीरीज के लिहाज से ठीक नहीं होगा। दोनों ही अधिकारियों ने दूसरी टीम को चिर प्रतिद्वंदी करार देते हुए क्रिकेट का आनंद लेने की वकालत की है।